हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडी। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नेम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दिस लेसन हैज टू स्टोरीज, फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज लियम ऑफ फ्लाहर्टी। इन दिस स्टोरी द राइटर टेल्स A young seagull is afraid to fly, and he tells how he conquers his fear. Now let's start. The young seagull was alone on his ledge. Ledge means a narrow horizontal shelf projecting from a wall. Here, cliff. चट्टान का उभरा हुआ भाग. Seagull. Seagull means समुद्री मुर्ग. Writer कहता है कि एक छोटा समुद्री मुर्ग अपने जो शिला प्लग थी उस पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़कर दूर चले गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसे उनके साथ उड़ने में डर लगा था। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। किसी प्रकार जब उसने पलक के किनारे की ओर दौड़कर आया, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हीज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, ही बिकेम अफ्रेड, वह भयभीत हो गया था। इट मीन्स राइटर कह रहा है कि किसी भी तरह जब छोटा समुद्री मुर्ग शिला पलक के किनारे की ओर थोड़ा सा दौड़कर आया और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया तो वह डर गया था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनेथ। उसके नीचे, मतलब जब उसने नीचे देखा तो देखा कि एक विशाल समुद्र का फैलाव था। एंड इट हैज सच अ लॉन्ग वेयर डाउन, माइल डाउन, और यह मीलों तक फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हीज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसने निश्चित ही अनुभव किया था कि उसके जो पंख है उसको नहीं सहारा देंगे। सो ही बेंट हीज हेड, इसलिए उसने अपना सिर नीचे झुकाया, एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और लेज के नीचे जो छोटा होल बना हुआ था उसमें दौड़कर चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात भर सोया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टनड देन हिज ओन रेन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ली अवे। वो कहता है कि उसके दोनों भाई और बहन जिसके पंख उसके पंखों से बहुत छोटे थे वे किनारे की ओर दौड़े, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़कर दूर चले गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज। मस्टर मीन्स गैदर, इकट्ठा करने में। टू टेक दैट फ्लंग, फ्लंग मीन्स जंप। राइटर कहता है कि जो सी गर्ल था उस जंप को लगाने के लिए सास को इकट्ठा करने में असफल हो गया था। विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, जो उसके लिए बहुत ही निराशाजनक प्रतीत हुआ था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली मीन्स वेरी लाउडली। उसके माता पिता उसके चारों ओर तीखी आवाज में बोलते हुए आए। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स स्कॉल्डिंग, उसको डांटते हुए। थ्रेटनिंग, धमकाते हुए। टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, और उसको ये कहते रहे कि वह यदि नहीं उड़ा तो वह इस लेज पर भूखा ही मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हिल ना सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। राइटर कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले की बात थी जब से उसके पास कोई नहीं आया था। इट मीन्स जो उसके भाई बहन माता पिता थे उड़कर दूर चले गए थे 24 घंटे पहले। द डे बिफोर, एक दिन पहले की बात बता रहे हो क्या कहा। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर। एक दिन पहले उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ता हुआ देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट में, उसके माता पिता उसके भाइयों को और बहनों को, मतलब
उड़ान भरने के लिए परफेक्ट कर रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेज। स्किम स्किम मीन्स होते हैं टू मूव लाइटली जस्ट अबो अ सरफेस, समुद्र की सतह पर मंडराना। और मैं उसके माता पिता उसको सिखा रहे थे अपने बच्चों को कि कैसे समुद्र की सतह पर मंडराते हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और जब मछली पकड़नी होती है तो कैसे गोता लगाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को पहली बार अपनी हेरिंग प्रकार की मछली को पकड़ते हुए देखा। एंड डेवोर इट, डेवोर मीन्स होता है खाना, इट विद लविंगली, प्यार से खाना, और उसको फाड़कर खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, मतलब चट्टान पर खड़े होकर उसको फाड़कर खाते हुए देखा। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, जबकि उसके माता पिता उसके भाई के चारों ओर एक गर्व, मतलब गर्व से तीखी आवाज़ करते हुए चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डाइस, टॉन्टिंग मीन्स स्केल्डिंग, डांटते हुए। और राइटर कह रहा है कि और उस सुबह पर, मतलब पूरी फैमिली सामने वाले पठार के मध्य चारों ओर चक्कर लगा रही थी और चक्कर लगाते हुए उसको उसकी कायरता के लिए डांट रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हीज लेग्स दैट फेस्ड द साउथ, सूर्य उसकी लेज को जो दक्षिण की ओर स्थित थी उस पर चमकता हुआ तेजी से ऊपर की ओर आकाश में बढ़ रहा था। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी महसूस लगी सीगल को, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे से लेज के किनारे पर आगे की ओर बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हीज वेग, और एक टांग को अपने पंखों में छिपाकर एक टांग पर खड़ा हो गया था। ही क्लोज्ड वन आइज, और उसने अपनी एक आँखें बंद कर ली थी, देन द अदर, फिर दोबारा बंद कर ली। एंड प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और बहाना किया कि वह सो रहा था। राइटर कह रहा है कि वह उसने अपनी एक टांग को पंखों में छिपाकर एक टांग पर खड़ा हो गया और फिर अपनी एक आंख एक के बाद दूसरी आंख बंद कर ली और उसने बहाना किया कि वह सो रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके परिवार वालों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड्स सन्क इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन अपनी गर्दन में अपने सिर को देकर सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैग, प्रीनिंग मीन्स होता है क्लियरिंग, साफ करना, मेकिंग एन एफर्ट मेंटेन फीदर्स, मतलब पंखों को साफ करना। उसके पिताजी अपने जो कमर का जो सफ़ेद भाग था ऊपर का, उस पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता ही उसकी तरफ को देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेटो, वह उस प्लेटो के ऊंचे भाग पर खड़ी हुई थी, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो छाती का सफ़ेद भाग था उभरा हुआ, वह आगे को लिगड़ा हुआ था। नाउ एंड अगेन, कभी कभी सी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, कभी कभी वह उस मछली जो उसके पैरों में पड़ी थी उसका एक टुकड़ा फाड़ लिया करती थी। एंड देन स्क्रैप्ड इच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर चट्टान पर अपनी चोंच की प्रत्येक साइड को तेज किया करती थी, रगड़ती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, वो कहता है कि भोजन के दृश्य ने उसको पागल कर दिया था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वह भोजन को उस प्रकार फाड़ने में फाड़कर खाने में कितना पसंद किया करता था। इट मीन्स राइटर कह रहा है कि वह भोजन को उस प्रकार फाड़कर खाने में
बहुत प्यार करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट मीन्स होता है शार्पन, और कभी कभी अपनी चोंच को तेज करना भी उसको बहुत पसंद था। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर इट। थैंक यू।